Hey guys, welcome back to my channel. This is your girl. Good morning. So आज मैं उठ चुकी हूँ, ठंडे पानी से नहा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करवाने. सुबह के अभी बज रहे हैं 4:40 in the morning and फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे. अरे चलो. सुबह 4 बजे इतना खुश कोई होता है क्या? जाना है नंबर 201. सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्नेहा दीदी के रूम में. एंड वैसे तो मेरे हेयर स्ट्रेट थे लेकिन उसको थोड़ा और नीट लुक देने के लिए दीदी ब्लो ड्राई कर रही थी और आगे चारों दीदी का मेकअप हो रहा था. सो तुम खुद ही ड्रेस पहनो क्या? मैं उठाती हूँ. सो गाइज आई एम रेडी. मैंने चेंज कर लिया है एंड नाउ वी गो ऑन सेट. अभी तो मेरे पास टाइम है फिलहाल. ओके नॉट सेट. सो हम कहीं तो जा रहे हैं जो बहुत दूर है, मैंने आपको कल बताया था. और वहाँ पे हम ट्रैकिंग करेंगे. यस, मैं अपने बर्थडे पे ट्रैकिंग जाना चाहती थी बट क्योंकि अब मैं ऑलरेडी जा रही हूँ तो अब मुझे अपने बर्थडे पे अपने बर्थडे पे जाने की जरूरत नहीं है. और मेरे हेयर वैसे ऐसे नहीं रहेंगे मोस्टली, क्योंकि ऐसे रहेंगे तो बहुत मैसी लगेंगे. या तो वो वहाँ पे पोनी करेंगे या समथिंग. और मेरा फेस पे भी यहाँ पे पिंपल आएगा. मे भी यहाँ पे यहाँ नहीं आ सकता. जी और अब मैं जा रही हूँ टू ट्रैक एंड हम अपने सफर पे जा रहे हैं तो लेट्स लीव. और सो कार से उतरने के बाद हमें 5-10 मिनट्स का ट्रैक करना था लोकेशन पर पहुंचने के लिए. एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ हाउसेस थे और यू नो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था और ये थोड़ा सा लंबा रास्ता था. बट देन यहाँ पे हम आ गए. यहाँ पे पूरी यहाँ से रिवर जा रही है. एंड फन फैक्ट, इसमें बार बार मुझे मम्मा पीछे घूमने के लिए बोल रही थी क्योंकि मैं घूम नहीं रही थी और मैं बार बार रिवर दिखा रही थी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी रिवर के लिए क्योंकि मैंने इतने पास से पहली बार रिवर देखी थी और एकदम बहुत ही विंडी हो रहा था. और यहाँ पे ना इस पाथ पे मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बची हूँ. नहीं, यहाँ पे दो ऐसे रिवर के मिडिल का पाथ हैं और जो सेकेंड वाला है उस पर मैं गिरती गिरती बची थी. और ये पाथ तो बहुत ही ब्यूटीफुल था. ऐसा लग रहा था ना, यू नो, ऐसा लग रहा था हम मूवी शूट कर रहे हैं. और मैंने इस पर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई है. मैंने हर जगह फ़ोटोज़ क्लिक करवाई है और मैं बहुत फोटोजेनिक भी हूँ. और यहाँ पे भी मम्मा मुझे बोल रहे हैं कि रुक जाओ मेरा, वेट कर लो मेरा, वेट कर लो. और ये एकदम इतना हेवनली लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि एकदम ये लोकेशन यू नो हेवन है. सो इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड मैंने एकदम अपने ग्लेयर्स पहन के स्टाइल मारा है जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो. एंड यहाँ इस पाथ पे मैंने थोड़ा स्टाइल मारूंगी घूम घूम के और देखना मैं ऑलमोस्ट इसमें नहीं गिरी क्या. अच्छा, गुड. सो शायद आप लोगों को वीडियो में इतना नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन जब मैंने वो टर्न लिया था ना तब मैं ऑलमोस्ट मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी. और मम्मा जब इस पाथ पे चल रही थी तो मम्मा नीचे देख के चल रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऊपर देखेंगी तो वो भी गिर जाएंगी. सो दिस वॉज अ वेरी स्केरी पाथ एंड आई विल रिमेम्बर इट ऑलवेज. और सब वेट कर रहे हैं हमारा, मतलब मम्मा का. सो गाइज हम फाइनली अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ तक आने में मैं तो और मम्मा बहुत थक गए. तो मैं ये सोच रही थी क्योंकि जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनको कैमरा के सारे इक्विपमेंट्स लाने होते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं होती. सो यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल डिसाइड हो रहा है डच ब्रेड या फ्रेंच ब्रेड. आप लोग कमेंट में बताओ आपको डच ब्रेड ज़्यादा पसंद है या फ्रेंच ब्रेड. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब बनने वाला मेरा पिंपल, एक्चुअली बन रहा है मेरा पिंपल सनलाइट में. आई एम वेरी एक्साइटेड. फर्स्ट टाइम मैं आर्टिफिशियल पिंपल बनवाने वाली हूँ. मैंने आज तक नहीं बनवाया और बनवाना भी क्यों है आर्टिफिशियल पिंपल. तो बिल्कुल रेड लग रहा है ना, उनको रेड ही चाहिए. ठीक है ना, लग रहा है ना पिंपल. हाँ
पिंपल वाली लड़की। अब मैं हिमालय नीम फेस वॉश यूज करती हूँ, मैं बिल्कुल हटा दूँगी। प्लीज गाइज मेरी ओवर एक्टिंग के 50 रुपये मत काटना। एवरीबॉडी इज ईटिंग मैगी। मैगी इन द वेदर, द कोल्ड वेदर। लड़की को पिंपल हो गया है इसलिए बहुत उदास है। इसको क्या पता किसके पास में हिमालय है। अगर आप लोगों ने मेरा हिमालय कैट नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखो, लेकिन उसमें एक शॉट है जिसमें मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ फ्रॉम द रिवर। सो हमने पहले उसको शूट किया था एक ग्लास के कंटेनर में जिसमें वाटर था और नीम लीव्स थी, और इससे मैं अपना पानी लेती हूँ, विच वॉज़ वेरी फन एंड आई लव्ड दैट शॉट सो मच, इट वॉज़ द बेस्ट वन। वैसे तो ये शॉट वन टेक में हो गया था, बट स्टिल हमने 3-4 टेक्स लिए थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि नीम वाला प्रूफ होगा या फिर विदाउट नीम वाला प्रूफ होगा, तो हमने काफ़ी सारे टेक्स लिए थे। वैसे तो इस वीडियो में काफ़ी सारे ऐड के क्लिप्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा पूरा ऐड देखो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, टी वी पर आता है तो आपको टी वी पर अगर आप देख रहे हो तो वेरी गुड, बट आप यूट्यूब पर प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना। और ये है ग्लास कंटेनर वाले फेस वॉश शॉट का फाइनल टेक, और इस शॉट के लिए सारे लोग मतलब यू नो एकदम टॉवल लेके रेडी थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे क्लोथ्स पे वाटर स्प्लैश हो। सो यहाँ पे हम लोग पोर्ट्रेट्स एंड रील्स के लिए कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ क्लिक कर रहे थे जो कि आप हिमालय फेस केयर के इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। रिवर साइड आए हैं कुछ शॉर्ट्स से निकले, यहाँ पे है रिवर, यहाँ पे मुंह है और मेरे हाथ और मेरी वॉच है और मेरे बाल है। और तुम्हारे यहाँ फेस वॉश वाला शॉर्ट हो गए? वैसे 2 बार मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ शॉर्ट वाले, अभी रिवर में। पहले मैंने एक ग्लास बॉक्स में किया था, शायद क्लिप्स होंगी तो वो ऐड करेंगे, अभी रिवर में। कैसा पानी है? ठंडा? मैंने हाथ नहीं लगाया अभी तक, दिख नहीं रही है ना। सो यहाँ पे हम शूट कर रहे थे प्रोडक्ट शॉट जिसमें मेरा हैंड यूज हुआ था, और मुझे पानी के अंदर जाना पड़ा था तो मेरे लेग्स अंदर गए थे, और पानी तो ठंडा, इट वाज सुपर कोल्ड, सुपर 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 कोल्ड। मेरा पानी कैसा था? आइस कोल्ड, आइस लेग नहीं। जब हम शूट कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ शूट यहाँ पे बहुत सारी शीप्स आ गई थी, और आगे भी आपको बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे तो स्टे ट्यून्ड। मुझे डर लग रहा है कि मैं मुंह कैसे धोऊंगी। द मोस्ट अवेटेड शॉट जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और इसमें मुझे अपना फेस वॉश करना है विद द रिवर वाटर विच इज़ वेरी 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 कोल्ड एंड आई नो दैट इट्स इन ऑयल स्पेन, बट द शॉट केम आउट सो गुड कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ब्रेव बन के ऐसा किया। एंड या जस्ट लुक एट इट, इट्स अमेजिंग। तो ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, नॉट अ रूम, अ टेंट, पर यहाँ पे हमारे सारे क्लोथ्स आयरन हो रहे थे, एंड फिर आगे यहाँ पे हमारे लंच की यू नो प्रिपरेशन चल रही थी। और मम्मा ने हर वीडियो में नेचर ही नेचर दिखाया है, और यहाँ पे हम शूट कर रहे थे सेकंड वाले शॉर्टीज़ का जो हमारे यू नो शॉर्ट वीडियोज़ थे, वो भी यूट्यूब पर हैं, वो भी आप देख सकते हैं हिमालय के चैनल पर। सो ये हमारा था साइकिल वाला शॉट, और मेरी साइकिल एक्चुअली एक बॉयज़ की साइकिल थी तो इट वाज़ वेरी हार्ड टू यू नो यूज़ इट, एंड फिर इसमें क्या होता था कि कभी मैं आगे चली जाती थी, कभी वो पीछे रह जाती थी, कभी मैं राइट चली गई, वो लेफ्ट चले गए, तो इसके तो मतलब बहुत सारे टेक्स हुए, फिर जाके एक परफेक्ट शॉट आया है। और दीदी की साइकिल में ब्रेक ही नहीं था, इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर हर एज़ वेल। तो ये है हमारा चेंजिंग रूम, और अगर आपको जानना है कि वॉशरूम कैसा है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। और यहाँ पे मैं चेंज करके नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट शॉट के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्टली होटल जाएंगे और रेस्ट करेंगे और घूमेंगे और खाएंगे जो भी। तो बस ये लास्ट शॉट की तैयारी हो रही थी, और इस शर्ट के बहुत पैकअप हो गया था, बट आप देख सकते हो शर्ट के बिटवीन में ना बहुत सारे हॉर्सेस आ गए थे, तो उसकी वजह से मेरा शॉट हमें एक और बार लेना पड़ा था।
और हाँ, तो ये बेसिकली आज का लास्ट शॉट था और आज तो बहुत ही मज़ा आया मुझे शूट करने में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पिंपल करवाया और मैंने रिवर के पानी से अपना फेस वॉश किया। अंधेरा होने से पहले निकल लो। कल बहुत लंबा ट्रैक होने वाला है, बहुत लंबा शूट होने वाला है। कल की बात कल करेंगे, अभी आज की बात करो। I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance. Hi, I'm looking very tired. My face is very exhausted. You can shoot sahi, and I was very hungry, so my buffet pe aa gayi. And main tomato soup ke liye hum log bhi kuch khaungi.